और यहीं से रखी गई थी नींव जेट इंजन की। अब इस टरबाइन से एक शाफ्ट जोड़कर एक कंप्रेसर लगा दो, जिसका काम होगा बहुत सारी हवा को कंप्रेस करके और तेज गति से कंबस्टन चेंबर की तरफ धकेल देना। चलो इसे एक पेट्रोल इंजन से कंपेयर करते हैं। उसके इनटेक स्ट्रोक में हवा और फ्यूल का मिक्सचर कंबस्टन चेंबर में एंटर करेगा और हमारी गैस टरबाइन में हवा एंटर करेगी। फिर आता है कंप्रेशन स्ट्रोक, जिसमें उस मिक्सचर को कंप्रेस किया जाएगा और हमारी गैस टरबाइन में ये काम करेगा कंप्रेसर डिस्क। फिर आता है पावर स्ट्रोक, जिसमें उस मिक्सचर को जलाया जाएगा और ये काम करेगा हमारी गैस टरबाइन में लगा हुआ एक बर्नर। उसके बाद आता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, जिसमें जली हुई गैसेस बाहर निकल जाएंगी और हमारी गैस टरबाइन में भी जली हुई गैसेस बहुत तेज रफ्तार से बाहर निकलेंगी और यही तेज रफ्तार टरबाइन ब्लेड्स को घुमाएंगी, जिससे कनेक्टेड एक शाफ्ट कंप्रेसर को घुमाती रहेगी और बन गया अपना जेट इंजन। बस इसमें एक ही फर्क है, वो ये कि गैस टरबाइन में सारे